प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के वित्तीय प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण है और भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। आज हर एक क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है और खासतौर पर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक तबके को मिलना, वो भारत का किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा का हो, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है। हम विकास कराएंगे सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। यह आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसी संकल्प को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। गुजरात में क्या होता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले, नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले, मुख्यमंत्री बनने के पहले गुजरात में क्या होता था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, गुंडागर्दी चरम पर थी, अराजकता फैलाने का कार्य होता था, लूट खसोट थी। पिछले 20 वर्षों के अंदर गुजरात में कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, गुजरात विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, सुरक्षा का एक मॉडल दे रहा है, विकास का एक मॉडल दे रहा है, लोक कल्याण का एक मॉडल दे रहा है, नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा दे रहा है, अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है, महिलाओं के लिए स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नए भारत का एक नया गुजरात है और इसीलिए तो हर गुजराती कह पड़ता है जय जय गरवी गुजरात। और भाइयों बहनों, ये तब सार्थक होगा जब सातवीं बार भी कमल चुनाव चिन्ह की सरकार गुजरात के अंदर बनेगी।